तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके का रील बनाना। यहाँ पर आपकी जो थीम रहेगी वो हैलोवीन से रिलेटेड रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको आपके हैलोवीन थीम से रिलेटेड आपको कोई भी आपको खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके ले लेना है, या जो भी आपका वीडियो रहेगा उसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी आप वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसका जो लेंथ रहेगा वो मिनिमम 3 सेकेंड का होना चाहिए, या फिर 2.30 सेकेंड का रहेगा तो भी चल जाएगा। तो 3 सेकेंड या 2.30 सेकेंड का एक वीडियो आपको यहाँ पर रेडी करके रख देना है। लेकिन मतलब वो जो भी रह सकता है, मतलब आपका हैलोवीन पार्टी वाला लुक वाला कोई भी एक वीडियो हो सकता है, उसे आप रेडी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको 6 फोटो रेडी करके रख देने। तो 6 फोटो आपको ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपको मतलब आपके हैलोवीन कॉस्ट्यूम से रिलेटेड हो जाए, मतलब हैलोवीन लुक जो आपका रहेगा उससे रिलेटेड आपको 6 फोटो यहाँ पर रेडी करने हैं। तो एक वीडियो और 6 फोटो रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी सबसे पहले स्क्रीन के नीचे एक आपको प्लस का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी ऊपर आपको एक वीडियो और फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर चल जाना है। अभी यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पर जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो वीडियो रखा होगा उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो को सिलेक्ट करके ले लेना है। तो वीडियो को सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड ऊपर आप देख सकते हो एक फोटो का ऑप्शन भी दिखेगा आपको, तो फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है। सिमिलरली आपको ऑल के ऑप्शन पर आके जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटोज रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है। तो फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको हैलोवीन लुक वाले 6 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको फोटोज़ को सिलेक्ट करते जाना है, जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो टोटल 6 फोटो रेडी हो जाने के बैद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपने सिलेक्ट किया था स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अभी सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन पे आपको यहाँ पर एक, जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, एक स्पीकर जैसा आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक एरो आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो ले गया, तो बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ये जो ऑडियो है इसे डाउनलोड कर लेना है। ऑडियो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑडियो के सामने एक चूज़ का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको 100 करना है। फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 6 बीट्स ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताया था। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक करूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है। जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2.10। तो यहाँ पर 2.10 आने तक आपको इसे मूव करना है, और जिस पॉइंट पर 2.10 आ जाएगा उस पॉइंट पर आके रुक जाना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 2.10 आ चुका है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट बीट है वो ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली बचे हुए बाकी के जो आपकी 5 बीट है वो भी आपको ऐसे ऐड करनी है। बचे हुए 5 बीट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सारे बीट्स को यहाँ पर ऐड करके ले लेना है। सारे बीट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 6 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लू कलर का आपको जो ऑडियो का बार है, ब्लू कलर का बार है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो रही है। तो आपको करना है कि हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो और वीडियो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो के बार में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपका वीडियो का बार आ जाएगा, तो इस वीडियो के बार को सिलेक्ट करना है, उसी पॉइंट पर बिल्कुल उसे हिलाना नहीं है। और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो वीडियो रहेगा वो 2 हिस्सों में बट जाएगा, तो राइट हैंड साइड का जो बचा हुआ हिस्सा इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर सेकंड लाइन पे सिलेक्ट करना है, और सेकंड फोटो को आपको उस पॉइंट तक ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। फोटो के बार को आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो राइट और लेफ्ट साइड में येलो कलर का बॉर्डर आ जाएगा, उससे आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे ड्रैग करते जाना है हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सारे फोटो यहाँ पर आपके ड्रैग हो जाएंगे। लास्ट वाले फोटो के लिए आपको करना क्या है, ऊपर कोई भी वर्टिकल लाइन शो नहीं होगी, तो थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। फिर देखना आपको ऑडियो जो ब्लू कलर का लाइन है किस पॉइंट पर एंड हो रहा है, जिस पॉइंट पर वो एंड हो जाएगा उस पॉइंट तक आपको इस फोटो को इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है।
इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वीडियो रहेगा इसे इग्नोर करना है, फिर जो फर्स्ट फोटो रहेगा इस फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है। नीचे एक एफएक्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पर एक व्हाइट वर्टिकल लाइन दिखेगी आपको, इसे आपको वीडियो के इस तरीके फोटो के एकदम स्टार्टिंग पर कुछ इस तरीके से लेकर आना है। इस लाने के बाद नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक जूम इन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस जूम इन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो को एकदम एंड पॉइंट पर जाना है, जो लास्ट फोटो रहेगा इसके बार को सिलेक्ट करना है। अभी सारे ऑप्शन को आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन एक जूम का दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर भी अभी आपको जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट करना है। और नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे, सिंगल टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको स्टार्टिंग पर आना है, जो फर्स्ट वीडियो रहेगा फर्स्ट वीडियो के बार को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर एफएक्स पे जाना है, सारे इफेक्ट को आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एकदम लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पर नन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे फिर से आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता होगा, एक ट्रेंडिंग रील है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बनाया हुआ वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।